बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट सेकंड, स्टीरियो केमिस्ट्री के तीसरे ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दूसरे में हमने ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे ज्ञात की जाती है इस बारे में पढ़ा था कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर देते हैं राइट हैंड साइड इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, दैट आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो दक्षिण ध्रुवीय गोलक कहलाते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज चेंज करते हैं वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, और जिस एंगल पर रोटेट करते हैं वो रोटेशन एंगल कहलाता है। अब इसी में आगे है कि आपके जो घूर्णन कोण है रोटेशन एंगल की वैल्यू है, मान है, वो आपके प्रयुक्त तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ विलयन का टेम्परेचर विलयन की कंसंट्रेशन सैंपल ट्यूब की लेंथ एंड कंपाउंड एंड सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। इस घूर्णन कोण अल्फा को हम स्पेसिफिक रोटेशन विशिष्ट घूर्णन टर्म की सहायता से क्या करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन, जो कंपाउंड की रोटेशन पावर है घूर्णन क्षमता है इसको हम स्पेसिफिक रोटेशन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसको हम फॉलोइंग फॉर्मूले द्वारा ज्ञात करते हैं। विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन एंगल अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इनटू कंसंट्रेशन। इस विशिष्ट घूर्णन अल्फा को अल्फा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वेवलेंथ के साइन द्वारा शो करते हैं। आपके प्रैक्टिकल द्वारा प्राप्त किया घूर्णन कोण अल्फा बटे सैंपल ट्यूब की लंबाई एल एंड कंसंट्रेशन सी, यही यहां पे टर्म बता रखे हैं। लैम्डा इक्वल टू प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ ऑफ लाइट, टी इक्वल टू टेम्परेचर, एल इक्वल टू सैंपल ट्यूब की लेंथ इन डेसीमीटर, और आपके सी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम प्रति एमएल। इस स्पेसिफिक रोटेशन के अलावा हम जो रोटेशन पावर है घूर्णन क्षमता है उसको हम आणविक घूर्णन के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। आणविक घूर्णन मॉलिक्यूलर रोटेशन, घूर्णन क्षमता को आणविक घूर्णन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। जो विशिष्ट घूर्णन है और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, इनके मल्टीप्लिकेशन को गुणनफल को मॉलिक्यूलर रोटेशन कहते हैं, यानी कि आणविक घूर्णन बराबर विशिष्ट घूर्णन गुणा अणुभार। अब हम इस फॉर्मूले के आधार पर डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि एक डेसीमीटर एल बराबर एक डेसीमीटर लंबी सैंपल ट्यूब में भरे हुए एक ग्राम पर एमएल कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व प्रेक्षित घूर्णन कोण है वो उसके स्पेसिफिक रोटेशन के बराबर होता है। यानी कि जब एल बराबर वन
सी बराबर वन, तो आपके स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल टू अल्फा। इस रूप में हम विशिष्ट घूर्णन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। अब किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों होती है, इस बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ध्रुवण गुणकता का कारण, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, या आणविक असंभवता, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, या किरैलता, किरैलिटी। जो किरैल है, शब्द है, वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड कियर, CHEIR, कियर से लिया गया है। इस कियर का अर्थ होता है हैंड, जो हमारे दोनों हाथ हैं। ये दोनों हाथ आपके एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज। और ये जो दोनों हाथ हैं, इनको हम एक दूसरे को ढक लें, यानी अध्यारोपित हो जाएं, तो ये अध्यारोपित नहीं हो सकते हमारे हाथ। इसको ही, हाथों के इस गुण को ही हम किरैलिटी कहते हैं। जैसे डायग्राम में भी दे रखा है कि हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन हम इन हाथों को एक दूसरे पे, कि एक हाथ दूसरे हाथ को ढक ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। जब हाथों जैसा गुण किसी और कंपाउंड में पाया जाता है, तो वह ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, और उसके जो मिरर इमेजेस होते हैं वो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे मॉलिक्यूल को हम किरेल मॉलिक्यूल कहते हैं। और कोई किरेल मॉलिक्यूल तब होता है जब उसमें कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं होता। इसी बात को हमने यहाँ नोट्स में लिख रखा है। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन यह एक दूसरे पर अध्यारोपित, सुपर इम्पोज नहीं होते। यदि किसी यौगिक के मिरर इमेज भी अध्यारोपित, सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। इस गुण को ही मॉलिकुलर एसिमेट्री या किरैलिटी कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को किरैल मॉलिक्यूल कहते हैं। जब कंपाउंड में एसिमेट्री का कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वह ऑप्टिकल एक्टिव किरेल मॉलिक्यूल होता है। अब हमें नई चीज पढ़नी पड़ेगी, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सममित के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। यौगिक में ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड किरेलिटी का डिटर्मिनेशन, निर्धारण सममित के तत्वों, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की सहायता से इजीली कर सकते हैं। जब कंपाउंड में यह एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो वह किरेल एंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जो सममित के तत्व हैं वो निम्न प्रकार है। नंबर वन, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अणु का वह काल्पनिक तल जिस पर उसे द्विभाजित, बाइसेक्ट करने पर बने दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो, तो उसे सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
यह प्लेन ऑप्सिमेट्री वर्टिकल ऊर्ध्वाधर हो सकता है, क्षैतिज हॉरिजेंटल भी हो सकता है। जैसे बेंजीन, बेंजीन में यह प्लेन, इस प्लेन के इस ओर और इस ओर दोनों मिरर इमेज है। बेंजीन में यह वर्टिकल हो गया और ये आपके हॉरिजेंटल हो गया। यहाँ दोनों ये कैसे हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज। इसी तरह से मीजो टार्टरिक एसिड में, यहाँ से यदि हम वर्टिकल प्लेन से इसको बाइसेक्ट करें तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। जब यह होगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यानी इनएक्टिव होगा, और वो किरैल नहीं होगा, एक किरैल मॉलिक्यूल होगा। दूसरा है सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अणु का वह एक्सिस जिस पर उसे रोटेट करने पर एक डेफिनेट एंगल के बाद उसकी बेसिक स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर, प्रारंभिक संरचना प्राप्त हो, तो ऐसे एक्सिस को सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे CN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ C का मतलब है साइकिल और N का मतलब है घूर्णन अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, इसको इस एक्सिस से यदि रोटेट करें तो 180 डिग्री घूमते ही वापस ये, फिर 180 घूमते ही वापस ये, यानी पूरा 360 डिग्री घुमाने पर दो बार अपनी बेसिक स्ट्रक्चर को यह प्राप्त कर लेगा, यानी कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यदि हम एसिटिलीन की बात करें जो लीनियर स्ट्रक्चर का होता है, तो इस एक्सिस से यदि इसे रोटेट करें तो हमेशा ही यही स्ट्रक्चर रहेगी, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट अनंत एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तीसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री, अणु का वह केंद्र जिसको किसी अन्य परमाणु या समूह से जोड़ने पर बनी हुई विपरीत दिशा की रेखाएं बराबर दूरी की हो, सममित अक्ष केंद्र कहलाता है। या केंद्र से सीधी रेखा खींचने पर दोनों ओर के समान परमाणु समान दूरी पर होते हैं, तो उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसे I साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एथीन है, एथीन में ये आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इससे यदि हमने ये एक वर्टिकल लाइन खींच ली, तो इस लाइन के ये दोनों तरफ H इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ऐसे ही ऊपर वाले कार्बन के दोनों H भी समान दूरी पे हैं। यदि वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों ओर कार्बन समान दूरी पे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन समान दूरी पे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन भी समान दूरी पे हैं, तो ये हमारा सममित केंद्र कहलाएगा। तो इस तरह से कंपाउंड में हमारे कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, किरैल होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा।